ओम साई राम। मैं सुप्रिया चतुर्वेदी वाराणसी से साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बाबा की एक छोटी सी कथा कह के आप लोगों का विश्वास दृढ़ करने की कोशिश करूँगी। ओम साई राम। एक समय की बात है कि बाबा द्वारका माई में बैठे थे और वहाँ खाना बन रहा था, जैसा कि आप लोग साइंस चर्च में पढ़े हैं। तो उस दिन खाने में नॉनवेज बन रहा था, क्योंकि बाबा थे, बाबा के अन्य भक्त थे जैसे तात्या कोठे पाटिल, श्यामा, मेघा, बहुत सारे बाबा के भक्त थे जो वहाँ सब तैयारी कर रहे थे बनाने के लिए। तब तक एक भिखारी आया भिक्षा मांगने के लिए द्वारका माई के पास। तो जो नॉनवेज बन कट रहा था, वहाँ तैयारी चल रही थी, तो बाबा ने उसी में उसको आदेश दिया कि वही भिक्षा में उसको दे दो। तो उसी में कोई भक्त वहाँ से वही मांस का टुकड़ा उसको भिक्षा में दे दिया। अब उस भिखारी के मन में संशय आ गया कि मैं एक ब्राह्मण, मैं कभी कुछ खाता नहीं नॉनवेज, और ये कहाँ से हमें मांस बाबा दे दिए। और रास्ते में जाने लगा तो उस मांस का टुकड़ा गिराते गिराते रास्ते से बाहर, गाँव से बाहर जाने लगा, और रास्ते में एक नदी पड़ी। तो उसने सोचा कि चलो इस नदी में हम अपना झोला वोला साफ कर लें, आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिए बाबा। उसके मन में ऐसे शक आ गया, संशय आ गया। जब वो रास्ते में अपना झोला साफ नदी में झोला साफ करने लगा, तो अब देखा कि जो थोड़ा बहुत टुकड़ा बच गया था वो सोना हीरा करके वो नदी में बहने लगा। छोटा छोटा टुकड़ा चमक रहा था उसमें, जो थोड़ा बहुत लगा था, और सब तो रास्ते में गिरा दिया। जब छोटे छोटे टुकड़ा वो देखा सोना का, तब वो लगा कि अरे मैंने तो क्या कर दिया। अब वो दौड़ते हुए फिर उसी रास्ते में गया, कहीं फिर मेरा सब जो गिराए हैं वो सब सोना मिल जाएगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको विश्वास अविश्वास हो जाएगा, जहाँ आपको शक हो जाएगा, वहाँ आपको बाबा की भक्ति नहीं मिलेगी, ना आपको लाभ होगा। आपको अगर विश्वास है तो मिट्टी भी सोना बन जाएगा, और नहीं विश्वास है तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा। बाबा पे शक करिएगा तो आपका कभी नहीं, डाउट करिएगा बाबा पे कि बाबा ये करोगे नहीं करोगे, तो कभी आपका भला नहीं होगा, एकदम छोड़ दीजिए। जैसा कि पूजा दीदी समझाती हैं कि बाबा पे जैसा है बाबा तुम देखोगे, तो आपका भला होना ही होना है, देर से होगा पर होगा, 100% होगा। ये मेरे कहने का मतलब था। साईं के पास देने के लिए 1000 रास्ते हैं, पर आपके मांगने में वो विश्वास, वो ताकत होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब इस कथा के माध्यम से ही था कि बाबा पे निस्वार्थ विश्वास करें, बाबा हैं तो सब हैं। ओम साई राम, जय साई राम।